देखो अभी उस पे सब तो हम कल से हमने नाना नानी आए तो हमने फैमिली मैन लगा के रखी है और इतना इंटरेस्ट आया, इतना अच्छा लग रहा है नाना जी नानी जी को, वही लगा के बैठे अभी उनको। आज फर्स्ट सीजन हो जाएगा, उनको कल सेकंड सीजन भी दिखाता हूँ मैं द फैमिली मैन। फैमिली के साथ देखो ब्लॉग कैसे लगा आपको सबको कानिफनाथ वाला? बहुत बढ़िया बढ़िया सीन सीनेरी नाना नानी ने देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कल हम वो आप जैसे देखा आप लोगों ने, हम फैमिली मैन देख रहे थे, फैमिली मैन कैसी लगी वो सीरीज नाना जी? एकदम थ्रिलिंग मिलिट्री की ना। अभी पार्ट टू भी देखने गए, अभी हम वो आके पार्ट टू देखने वाले। अभी एक्चुअली संडे है तो मैं नाना नानी मम्मी पापा सब मिलकर कहीं तो जा रहे हैं। एक्चुअली 144 लगा हुआ है, मीन्स कहीं जा नहीं सकते घूमने, बट स्टिल आए इतने दिनों बाद तो कहीं तो चलते हैं। फ्रेंड पापा कार निकाल रहे हैं, चलते हैं, कुछ खुला होगा तो देखते हैं। बाय द वे वेलकम बैक टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब करो और हम चलते हैं। चलो तो ये वाइपर का जो पानी होता है उसमें वाटर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कीचड़ उड़ गया ना कभी गलती से आगे वाली गाड़ी का तो वो साफ करना मुश्किल हो जाता है। तो हम मैं इसमें डालने वाली थी। तू है बहुत शानी है ना। निकलते रास्ते में बताता हूँ, रास्ता मिलेगा उधर। चलो चल रहा है, डैड चला रहे बिकॉज मैं चेरी को मांडी पे लेके बैठने वाला हूँ। अपने को पकड़े क्योंकि संडे को हम निकल रहे तो कुछ सोचा है क्या बोलने वाले पुलिस वगैरह को? अरे बोलेगा ना भैया के देखो सर, देखो मेरे माँ बाप जो है इनको बहुत वो ज्ञानेश्वर महाराज की भक्ति है तो इनको मैं आनंदी लेके जा रहा हूँ सर, अच्छे भक्त अच्छे कार्य के लिए तुम आरंगा मत डालो। यही पे खड़ी है वो पुलिस, तो इसलिए ना ईमानदारी से ना अपन इस पे रुकने का, इसलिए मास्क पहनो बाबा। तो देख पकड़ी इसको, देख वो निश्चय गिरा ही देखने लग रहा है, और क्या है बस नहीं कर। मेरे को बिल्कुल एसी की हवा नहीं लग रही है, ये इतना बड़ा पर्वत मेरे सामने बैठा उसके वजह से पूरी यहाँ ब्लॉक हो रही है हवा। हाँ अभी देख अभी आ रही हवा, नहीं रेंदो 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 वाह वाह। वो फैमिली मैन ये देखा ना अपन ने वेब सीरीज, उसमें वो एक लड़की को अच्छा मतलब शेरो शायरी करते थे बच्चों के बारे में, उसने अच्छी शेरों का शायरी की। मनोज वाजपेयी को आता ना इसलिए नहीं, तुमको कौन आता? गन्ने का याद नहीं है? नहीं मेरे को याद है। अच्छा आपको इतना याद आया, बोले तो आपको याद है? मेरे को याद है। पहले बच्चों में भगवान दिखते थे। क्या बात है क्या बात है। और अभी बच्चे इंस्टाग्राम पे दिखते, और अभी बच्चे बस इंस्टाग्राम पे दिखते। आ जाओ नाना, रुको मैं खोलता नाना जी का डोर, आ जाओ नाना जी। सो वी हैव फाइनली रीच्ड आनंदी, एक्चुअली नैनेश्वर महाराज की जो समाधि है ना उनको अगर दर्शन करना है तो पहला यहाँ नदी में स्नान करके शुद्ध होकर फिर जाने का रहता है। ओके, इट इज द प्रोसीजर, इसलिए नदी आई लिए यहाँ पर शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो जय हो मालिक। ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शन टेम्पल बंद है ना? Yes. लेकिन यहाँ से दर्शन हो रहे हैं, दर्शन हो गए। बढ़िया भीड़ तो देखो, भीड़ देखो। सैटरडे संडे इट्स लॉकडाउन एंड स्टिल इट्स सच अ क्राउड। कैसे लगा नानी जाकर? अच्छा लगा, कई दिनों से ऐसे जपरा में मेले में आए, बहुत दिन बाद आए ऐसे भीड़ में, के बाद आए बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है हम इंसानों में जिंदे सब। तो थोड़ा सा पानी में फ्रेशन अप हो लिया, यहाँ तो पानी थोड़ा सा अपने आप पे लगा लो मुंह पे फेस पे। इसकी स्टोरी क्या है पापा? अभी अपन आए इतना आनंदी, तो इसकी स्टोरी है पर यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर काफी वक्त ज्ञानेश्वर महाराज ने यहाँ पर व्यतीत किया है और उम्र के 21 साल में उन्होंने यहाँ पर समाधि ली। 21 ईयर्स ओल्ड ज्ञानेश्वर महाराज 1296 1296 में उन्होंने यहाँ पर समाधि, जीवंत समाधि बोलते ना,
जिंदे होते होते समाधि ली हुई पर है यहाँ पर बहुत उन्होंने इतने बड़े बड़े उन्होंने चमत्कार दिखाए जो कि ज्ञानेश्वरी लिखी उसका मराठी में अनुवाद किया है। उसके बाद में वो जो रेड़ा रहता ना रेड़ा उससे गीता उसके क्या बात है क्या बात है वो शेर पे आने का तो ये अपने संत ज्ञानेश्वर महाराज ने दीवार चढ़ाए चारों बहन भाई बैठ के निर्जीव जो मीन्स लाइक बाइक चलाते वैसे वो बॉल के ऊपर बैठ के उठा के आए सामने ही ड्राइव द बॉल कितना पावर दिस इज ट्रू स्टोरी और ये रिसेंट है ऐसा भी नहीं बहुत पुराना है 300-400 साल पुराने की बात 300 से 1200-1800 साल पहले की बात है। सो ये जो इनका मंदिर है समाधि पीछे मंदिर है नदी है एंड दिस इज इसको शुद्ध होकर फिर जाना है। हाँ ये इंद्रायणी नदी है और कितना पानी है खतरनाक मानसून चल रहे शायद इसलिए मानसून है इसके लिए और ये ओरिजिनल ये पीरियड में अभी ये कैसा है हाँ। वारकरी संप्रदाय बहुत मानते हैं ज्ञानेश्वर महाराज को तो यहाँ से आषाढ़ के जो महीना लगता है हाँ। तो आषाढ़ महीने में यहाँ से उनकी पालकी जाती है पंडरपुर में विट्ठल जी के दर्शन के लिए ओके तो ये बहुत बड़ा मजमा रहता है और वो मजमे में शामिल होते पूरे वारकरी और संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय बोलते हैं। सो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोरोना के वजह से यहाँ कुछ वो गर्दी नहीं हुई ज्यादा नहीं है नहीं तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ 1-2 लाख कभी कभी 10 लाख लोग यहाँ पे होते हैं ये दिन पे एकादशी के दिन। सो अभी से सिर्फ 12:30 हो रहे अगर आप पुना से अभी आ रहे हो पुना में है आप पुना से देख रहे हो वीडियो तो पुना से इट्स हार्डली 20 किलोमीटर्स पे ये टेम्पल है। अगर बॉम्बे से आ रहे हो तो बॉम्बे में पहले पुना में आ गए पुना स्टेशन से 20-27 किलोमीटर पे ये टेम्पल है और काफी अच्छा है ये पूरा वाटर वगैरह सब कुछ फोटोज वगैरह काफी अच्छे आते हैं यहाँ पे। अभी हम देहू आए देहू इज 20-25 किलोमीटर फ्रॉम आळंदी और यहाँ पे संत तुकाराम महाराज जी की समाधि है तो यहाँ पे काफी सुंदर टेम्पल है बट अनफॉर्चुनेटली टेम्पल इज क्लोज बिकॉज ऑफ कोविड। सो वाह सो ब्यूटीफुल ना ओ शिवजी संभव मेन टेम्पल जो बड़ा वाला बना है इन्होंने काफी ब्यूटीफुल वो तो बंद है लेकिन ये बोल रहे ये पुराना टेम्पल है ना पुराना जो बहुत ईस्वीसन पूर्व जो पहला मंदिर था तुकाराम महाराज का वो ये मंदिर है ओरिजिनल मंदिर हम वहाँ पर चल रहे हैं अभी वहाँ पे चलते हैं। ये जो तुकाराम महाराज जो ग्रंथ लिखने के ना तो ये यहाँ पर जो लोग थे आनंद जो उनके विरुद्ध चलने के उन्होंने उनके सब वो गाथा इसमें फेंक दी थी पानी में अच्छा वाटर में तो वो देश वाटर खाना पीना खा के उन्होंने 13 दिन यहाँ पर यहाँ खड़े थे वो शिला जो बात है ना हाँ, वो अंदर बता वहाँ पर खड़े थे 13 दिन 14वें दिन वो बराबर पूरे उसके बुक्स उनके जो है ना ग्रंथ मैजिकल वाओ ये तुकाराम महाराज का सब में भारी यहाँ का शॉट है दिस इज अ गुड थिंग अरे यहाँ तो घाट है यार अच्छा एंड व्हाट शिट है सुपर घाट है मैडम यू शुड एक्सप्रेस नाइसली ओह वाह मेस्मराइजिंग नॉट ओह शिट इट्स सो ब्यूटीफुल इज योर शिट ब्यूटीफुल हे अभंगे सरांचे फेकलो देतो ना ते इथे आले जेव्हा रामेश्वर भटजींनी तुकाराम महाराजांचे ग्रंथ दगडाला बांधून हे इंद्रायणीचे डोह हात बुडवायला सांगितले तेव्हा कोपऱ्यात इंद्रा दिवस बसले तपश्चर्येने शिळाय खाली फुला हा एका दिवशी हा कोणती हे समोरच्या मंदिर येलेश्वरा पूजेने हंदीचे काठी लेपाषाणाच्या हंदीचा दूध काढलेला तो तिथे ठिकाण आहे महाराजांची 3 वेळा वैकुंठावून आले निळोबरा जगनाडी दिली आणि भागीरथ आले माघशुद्धा दशमी पाहुणी गुरुवार केला अंगीकार चुकामणी यादृशी महाराजांना बोध झाला जिजाबाईंना काटा मोडला पांडुरंगी काढला ह्या भंडाऱ्यावरती 15 दिवसा माझी साक्षात्कार झाला निराकार पांडुरंगी काय भामचंद्रा होती जन्माचे ते मूळ पाहिले शोधून दुःखाचे कारण जन्म घ्यावा हा भामचंद्रावरती महाराजांनी निराकार पांडुरंगीचं दर्शन घेतलं रामकृष्ण हरे छान झालं ये इमली का पेड़ है वाव और ये छोटा सा टेम्पल एंड दिस वाइब इज वेरी गुड आंटी जी थी जिन्होंने वो सब बताई स्टोरी वो 10th जनरेशन थी ये जो टेम्पल संभाल रही है पुजारी मीन्स इफ वी कैलकुलेट 1200 ईयर से लेके अभी तक तो इट्स लाइक 800 ईयर
तो वो अगर एवरेज एज 60 भी पकड़ो इंसानों की तो एक्यूरेट 10वीं पीढ़ी आती है। तो वारी अपने हड़प्सर में जो ज्ञानेश्वर महाराज तुकाराम महाराज की पालकी आती थी, फॉर कॉन्टेस्ट बता देता हूँ किस बारे में बात कर रहे हैं। वो फिश देखिए यहाँ पे फिश तो कैसा सीन है, कैसा होता है हर साल यहाँ से, और जो हम आनंदी गए थे पहले वहां से दोनों महाराज की पादुका रथ में निकलती है पालकी में। वो पालकी पूरे महाराष्ट्र मीन्स वो यहाँ से लेके पंडरपुर तक पैरों से जाते 216 किलोमीटर चलते जाते हैं। और वो पालकी का जो होता है पूरा 15 दिन का पीरियड होता है, और जो भी लोग उसमें शामिल होते हैं इट्स अराउंड लैक्स ऑफ पीपल जो वो पालकी के साथ चलते जाते हैं, जिसका ट्रस्ट ओनली विट्ठल महाराज। जो पंडरपुर जाते हैं यहाँ से पालकी पंडरपुर जाती है और वहाँ पे उनकी पूजा वगैरह होती है एकादशी के दिन। जो एकादशी जिस दिन आज है, जैसे कि ये ब्लॉग आज आया है तो वो एकादशी, मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ आपको ये एकादशी के दिन का ब्लॉग में बता सकूँ क्या महत्व है ये एकादशी का। एक्चुअली फास्ट है हमारा सबका, महाराष्ट्र में जो भी है सबका फास्ट होता है ये एकादशी को, वो अगले दिन छोड़ते हैं हम। एंड इट्स वेरी स्पिरिचुअल डे फॉर अस। इट्स लाइक एकादशी किया तो मतलब 21 एकादशी की है जैसा हो जाता है। हाँ। जो हर 15 दिन में आती है ना, है राइट नानी जी, सही बोला, सही नहीं नानी जी, अच्छा लगा नानी जी की इच्छा थी। अरे नानी जी का जो बारामती का घर है आपको मैंने दिखा रहा हूँ, पुराना घर नहीं दिखाया आपको ज्यादातर, वो घर के जस्ट सामने से जाती थी है ना, अपने दरवाजे में से सामने से पालकी की पालकी इतना डिस्टेंस है बस पालकी में और घर में इतना डिस्टेंस, दृश्य गजब लगता था। आनंद खुशियाँ सब गांव में से रंगोली सड़ा डाल के उनका स्वागत होता है। 2 साल से सब मिस कर रहे हैं तो इसलिए चलो इस 2 साल से कोरोना की वजह से पालकी बिल की सब रद्द है, वो नहीं है अभी फिलहाल महाराष्ट्र में तो। लेकिन हमको लगा था टेम्पल्स बंद होंगे बट चालू है, अच्छा है, दर्शन हो गए। फीस देखते चलो आई सीरियसली डोंट नो, इतने अच्छी लोकेशन है, भगवान लोग का स्पिरिचुअल प्लेस है बट ऐसे लोग आकर यहाँ पे मीन्स पोल्यूट कर रहे हैं वाटर। छोटे माउली आ गए सब बने, दोनों छोटे माउली मिल गए हमको यहाँ पे, सो क्यूट, डर रहे हो लोग। पापा ने इमली कहाँ से लाए पता नहीं, और वो दो छोटे मावली मिल गए हमको। मीन्स कैसे करते हैं यार, जो जो छोटे बच्चे होते हैं ना महाराष्ट्र में उनको ऐसे मावली की जैसा ड्रेसअप करते हैं, जो ड्रेसअप आपने देखा उन्होंने पहना हुआ था वारकरी जैसा ड्रेसअप करते हैं। कहाँ जाके बैठ गई पता नहीं, वहाँ क्यों गई तू, वाह फोटो के लिए कुछ भी, काफी झाकी जाता हूँ वो दूरिया मारते है सोचा हूँ, यहाँ भी चलते अभी। नानी जी ने बिना बोले मेरे दिल की बात सुन ली, भुट्टा ले लिया। ओ वाह, सैनिटाइजर लो पहले, हमने तो धोया यार भुट्टा काफी, कितने दिन, बहुत दिन बाद खा रहे हैं अपन। बाहर से सॉल्टी क्रिस्पी और अंदर से मीठा, ऑसम सही है ना। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वो तो ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली बतानी नहीं चाहिए बट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो दे ही देता हूँ। आनंदी एक और चीज के लिए फेमस है, मतलब अरे जो लोग नहीं क्या जिनके अगर पेरेंट्स वगैरह परमिशन नहीं देते, लो बजटेड अगर शादी करनी है तो आनंदी में बहुत सारे जो धर्मशाला है पंडित लोग अवेलेबल है, लोग शादी करवा के देते हैं, उनके पास पूरा बजट है छोटा, सब कुछ उन लोग करके देते हैं। और एक और उसमें है कि जिसके लो मैरिज रहते हैं वो भी यहाँ कर सकते हैं, अगर घर वाले नहीं दे रहे हैं वो यहाँ के परमिशन दे, यहाँ के शादी करते हैं। आप लोग मत करना, मॉम डैड के परमिशन से ही करना, चलते अभी। कैसे पिज्जा का है तेरा आज, पिज्जा की जगह कौन कैसे पकड़ रखा है, कौन अच्छा लगता है मुझे, पिज्जा वगैरह बंद करो हेल्दी खाओ, और तू तेरे को ज्यादा जरूरत है, ज्यादा तेरे को जरूरत है चेरी, मैंने तो पिज्जा खा बर्गर खा ये चटर पटर खाने बंद कर दो, ठीक है कचरा खाना, भुई मुंगी सेंगा हरभरा देखो हेल्दी का गावरान मेवा। ओह दे आर फाइटिंग, ओ माय गॉड, फाइट मत करो बच्चों, छोटा बच्चा दिखा दे देखो, ये छोटा 26 साल का बच्चा क्या ये यार,
अच्छा लग रहा है बच्चा मेरा, ये अच्छा पैर दुख रहे मेरे तेरे इतने 100 किलो से। ब्लॉग बना बना के भी थकता ना आदमी। ओ मैं गाड़ी चला रही पापा, देखो गुंडे दुख रहे मेरे। और ये देखो वाह मेरे पापा अभी तक थके नहीं और ये थक गया यंग बच्चा। अभी हमको ये आइसक्रीम खाने का मन किया जो कैंप में है एमजी रोड पे, ये वाला चेरी गर मेरा फेवरेट, सो वही ले रहे हैं। चलो क्या क्या कर रहे हैं?